एनडीए का जो योजना है, एनडीए जिस तरह से सरकार चला रही है, एनडीए में जिस तरह के नेता हैं वो सब जनता से जुड़े हुए हैं। आप देखे होंगे केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। तो ये चुनाव एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत चुनाव होना है और उसमें 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। एनडीए चारों सीट जीत। हम रात में कुछ क्लैरिटी आएगी तो हम कुछ बताने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन अभी हम सबको किसी को नहीं पता, हमारे सब साथी बैठे हुए किसी को नहीं पता है। नहीं, खतरा किसी को नहीं है। माननीय गिरिराज जी का अपना व्यक्तिगत वो मामला है और हम समझते हैं कि सद्भाव के लिए निकले हैं, शांति के लिए निकले हैं, एकजुट करने के लिए निकले हैं, समाज को एकजुट करने के लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। तरारी, बेलागंज, इमामगंज, ये 4 सीटें हैं जिसको लेकर के तैयारी शुरू हुई। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन सर हैं। सर, चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? एनडीए गठबंधन कितना बढ़ाएगा? देखिए, एनडीए गठबंधन एक दिन में चुनाव की तैयारी नहीं करता है, सतत हमारा तैयारी चलते रहता है और हम लोग जनता के बीच में रहने में विश्वास रखते हैं। जो जनता के बीच में रहेगा उसको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एनडीए का जो योजना है, एनडीए जिस तरह से सरकार चला रही है, एनडीए में जिस तरह के नेता हैं वो सब जनता से जुड़े हुए हैं। आप देखे होंगे केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और जनता का विश्वास हमारे ऊपर है। तो ये चुनाव एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत चुनाव होना है और उसमें 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। एनडीए चारों सीट जीते। सीट आप लोगों की सीट है तो उस पर किसकी तैयारी चल रही है? आपके पति के नाम की चर्चा है कि वो मतलब वहाँ पे कैंडिडेट होंगे, ये तो आप लोग का चर्चा है, हमको तो कुछ पता ही नहीं है कौन कैंडिडेट होगा। आज तक अभी हमसे पूछेंगे तो हमको कोई जानकारी नहीं है। हम रात में कुछ क्लैरिटी आएगी तो हम कुछ बताने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन अभी हम सबको किसी को नहीं पता, हमारे सब साथी बैठे हुए किसी को नहीं पता है। चुनाव के पहले बिहार में यात्राओं का दौर जारी है। गिरिराज सिंह यात्रा पर निकले, हिंदुत्व, हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर, लग रहा है कि हिंदुओं को खतरा है बिहार में? नहीं, खतरा किसी को नहीं है। माननीय गिरिराज जी का अपना व्यक्तिगत वो मामला है और हम समझते हैं कि सद्भाव के लिए निकले हैं, शांति के लिए निकले हैं, एकजुट करने के लिए निकले हैं, समाज को एकजुट करने के लिए। वो एक संवैधानिक पद पर हैं और वो समाज को एकजुट, धर्म भी एक क्या है, एकजुटता का नाम है। धर्म भी क्या है, सॉलिडिटी होता है कि हम एक होते हैं किसी चीज़ के। तो वो शांति सद्भाव के लिए निकले हैं और हम समझते हैं कि उनका नोबल काउज होगा, कुछ कारण होगा। रिएक्शन है इस पे कि इस तरीके के हिंदू कभी दिखे ही नहीं बिहार में, कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैलता है, नीतीश कुमार के राज्य में सब कुछ अच्छा चलता है, फिर हिंदुओं को एकजुट करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, अपनी अपनी बातें होती है, अपनी अपनी, अब उनको लग रहा होगा कि हमको समाज के बीच में जाना चाहिए, समाज के बीच में रहना चाहिए, तो निश्चित तौर पर उनको रहना चाहिए, उनको जाना चाहिए, उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है और उनका एक व्यक्तिगत मामला है। ये अब बेहतर रहेगा कि आप उनसे पूछें, वो टिप्पणी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं हमसे। हम तो इतना दूर से जानते हैं कि एक यात्रा निकालना है जो आपके माध्यम से मिला, और यात्रा का मकसद मैं जो समझता हूँ कि शांति और सद्भाव के लिए, और सब 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 लोगों को शांति सद्भाव, पूरे बिहार में शांति हो, सब सही से रहें, सब तरक्की करें। हम कोई भी काम करते हैं, राजनीति भी करते हैं, तो हमारा मकसद वही होना चाहिए, समाज सेवा है। और समाज सेवा का मतलब है गरीब तबका लोग, जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको हम कैसे अपना सेवा दे सकते हैं, कैसे उनको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, कैसे उनको बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको हम अधिकारों के बारे में बता सकते हैं, यही मकसद होता है। एक तो अंतिम प्रश्न है, झारखंड में चुनाव हो रहा है, आप लोगों की पार्टी क्या झारखंड में लड़ेगी? चूँकि मांझी जी ने पहले कहा था कि कुछ सीटें हमने चिन्हित कर रखी हैं, हालांकि सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं है आप लोगों की पार्टी। देखिए, इसका भी निर्णय आज के मीटिंग में होगा और हम लोग कल आपको बताएंगे। लड़ेंगे आप लोग झारखंड का चुनाव? आज मीटिंग खत्म हो जाने दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, कल इसकी क्लैरिटी आपके पास होगी। चलिए, देखिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन सर थे और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव, साथ ही साथ बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव, आपको खबरें यहाँ से लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।